केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में वन नेशन वन राशन पर दिया जवाब। कहा, इस योजना से 60 करोड़ लोगों ने लिया है लाभ। देश में कहीं भी एक लाभार्थी को मिल सकता है राशन। प्रधानमंत्री के स्मार्ट विलेज की अवधारणा को मिलेगी मजबूती। संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास लक्ष्य के तहत हो रहा है काम। देश की पंचायतें बनेंगी वाइब्रेंट पंचायतें। गांवों में आर्थिक तरक्की लाने की हो रहे हैं प्रयास। पंचायतों के जरिए होगा गांवों में संस्थागत विकास। आईआईटी कानपुर ने मिट्टी परीक्षण उपकरण किया लॉन्च। पोर्टेबल मृदा परीक्षण उपकरण का नाम रखा है भू परीक्षक। केवल 90 सेकंड में मिट्टी के स्वास्थ्य का पता लगा सकता है उपकरण। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए अब नजर डालते हैं विस्तार से खबरों पर। लोकसभा में आज वन नेशन वन राशन पर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने न केवल इस योजना को लागू किया है बल्कि हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि योजना का लाभ जरूरतमंद लोगों को मिल रहा है या नहीं। वन नेशन वन राशन योजना 60 करोड़ लोगों ने पोर्टेबिलिटी का लाभ लिया है और राशन कार्ड से अलग अलग जगहों पर राशन प्राप्त किया है। पश्चिम बंगाल में वन नेशन वन राशन पर उन्होंने कहा कि पहले पश्चिम बंगाल ने लंबे समय तक वन नेशन वन राशन का विरोध किया लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद उन्होंने इसे लागू कर दिया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि किसी लाभार्थी को राशन लेने से कोई नहीं रोक सकता। देश में कहीं भी एक लाभार्थी को राशन मिल सकता है। टेक्नोलॉजी से हमने इस योजना को बहुत सरल बना दिया है। हमने इसकी लगातार ऑडिट की भी प्रणाली रखी है। अलग अलग तरीके से इसको हम जमीनी स्तर पर कैसे लागू हो रहा है इसका ऑडिट भी करते हैं। और पिछली एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इंडिपेंडेंट पार्टी को जब ऑडिट किया करने का काम दिया तो लगभग 94% बेनिफिशरीज तक ये सीधा पहुंच रहा है इसका अनुमान उस रिपोर्ट में आया। और उसमें जो जो और चीजें सुझाव के रूप में भी आई, सरकार पूरी तरीके से सुधार के प्रति प्रतिबद्ध है और पूरी तरीके से संकल्पित है। और मेरा मानना है कि ये शायद एक सबसे सफल योजना रहे वन नेशन वन राशन कार्ड की, जिसने देश में लगभग आज 60 करोड़ पोर्टेबिलिटी ट्रांजैक्शन हो चुके हैं। आईआईटी कानपुर ने मिट्टी परीक्षण उपकरण लॉन्च किया जो केवल 90 सेकंड में मिट्टी के स्वास्थ्य का पता लगा सकता है। विकसित किया गया पोर्टेबल मृदा परीक्षण उपकरण का नाम भू परीक्षक रखा गया है। ये उपकरण 1,00,000 मृदा परीक्षण नमूनों का परीक्षण कर सकने के साथ ही बाजार में उपलब्ध अन्य उपकरणों से अधिक उच्चतम परीक्षण क्षमता रखता है। देखते हैं ये रिपोर्ट। ये हमारा भू परीक्षक डिवाइस है जो हमने आईआईटी कानपुर में डेवलप किया है और ये डिवाइस हम यूज करते हैं मिट्टी की गुणवत्ता को जांचने के लिए। इस डिवाइस के अंदर ये कुछ ऑप्टिकल सेंसर है जो हमारे मिट्टी में तत्वों को पहचान करती है। इस डिवाइस के साथ ये कप है जिसमें हम सॉइल सैंपल रखेंगे और सॉइल सैंपल का मात्रा करीब 5 ग्राम होनी चाहिए जो कि सूखी और छनी हुई होनी चाहिए। इस डिवाइस के नीचे एक व्हाइट सीट है जो हम कैलिब्रेशन के लिए यूज करते हैं। हमारे इस डिवाइस के साथ एक भू परीक्षक ऐप है जिस ऐप से ये डिवाइस कनेक्ट होती है ब्लूटूथ के थ्रू और यहाँ से हम डिवाइस को ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लेते हैं। फिर हम व्हाइट सीट रखते हुए इस डिवाइस को बंद करेंगे, इसे लॉक करेंगे और यहाँ पे एक कैलिब्रेशन बटन है हमारे ऐप में जिसे आप क्लिक करेंगे तो ये डिवाइस कैलिब्रेशन शुरू करेगी। ये डिवाइस करीब 90 सेकंड के अंदर अंदर ये कैलिब्रेट कर देगी और साथ में यहाँ पे हम पिक्टोरियल फॉर्म में स्टेटस देख सकते हैं जो हमें बताएगी कि हमारा प्रोग्रेस कितना हो चुका है डिवाइस का कैलिब्रेशन। एक बार जब हमारा डिवाइस कैलिब्रेट हो जाएगी तो फिर हम इसके अंदर मिट्टी की सैंपल रखेंगे। इसमें हमारे पास है छनी हुई और सूखी मिट्टी जो हम इस कप के अंदर रखेंगे। जब हम इसमें मिट्टी रखेंगे तो इसे पूरा प्रॉपर फैलाना होगा कप के अंदर ताकि कोई भी
बीच में बम्प टाइप का ना बने। मिट्टी रखने के बाद हम इस डिवाइस को वापस इसमें लॉक करेंगे कप के ऊपर, और यहाँ पे बटन है स्कैन, इस स्कैन बटन को दबाएंगे। स्कैन बटन दबाते ही हमारा डिवाइस मिट्टी की जांच करना शुरू कर देगी, और ये करीब 90 सेकेंड टाइम लेगी कंप्लीट होने में। मिट्टी की जांच पूरी होने के बाद हमारा सॉइल का न्यूट्रिएंट्स वैल्यू हमारे मोबाइल स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करेगी, जिसमें हम अभी नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक कार्बन, क्ले, पोटासियम, फॉस्फोरस एंड कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी हमारे डिवाइस जांच करती है, जो कि सॉइल के मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। साथ में हम इसके मेनू में जाके फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन देख सकते हैं कि हमें इस मिट्टी में किस फसल के लिए कितना फर्टिलाइजर यूज करना होगा। जैसे हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं राइस मीन्स धान या चावल, तो फिर हमें यहाँ पे बता देगी कि कौन सा फर्टिलाइजर कम्बिनेशन हमें यूज करनी है इस मिट्टी में, सो हमारा अनाज की उपज ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके और हमारा फर्टिलाइजर की क्वांटिटी भी मेंटेन रहे। जो कि अभी जैसे किसान लोग कभी कभी उनको समझ नहीं होती है फर्टिलाइजर कितना डालना है कितना नहीं, और वो कभी ज़्यादा डाल देते हैं, जिसकी वजह से पौधे जल जाते हैं फर्टिलाइजर की वजह से, और मिट्टी की भी गुणवत्ता खराब हो जाती है। यहाँ पे हम पुराने भी हिस्ट्री चेक कर सकते हैं हिस्ट्री टैब में जाके, जहाँ पे एक यूनिक आईडी जनरेट होती है हर स्कैन की, और यही जो हमारा हेल्थ रिपोर्ट कार्ड है, सॉइल हेल्थ रिपोर्ट कार्ड है, वो हम अपने क्लाउड सर्वर पर भी देख सकते हैं, जो हमारे वेबसाइट पर उपलब्ध है। वहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड डालने से ये रिपोर्ट कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने से एक्सेस किया जा सकता है। ये खेत और फसलों के लिए उर्वरकों की आवश्यक खुराक की भी सिफारिश करता है। मोबाइल एप्लीकेशन को यूजर इंटरफेस के माध्यम से उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाया गया है, जो स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध है, जिससे सामान्य व्यक्ति भी आसानी से डिवाइस और मोबाइल एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर सकता है। सॉइल टेस्टिंग डिवाइस टेक्नोलॉजी है, जिसे हम हिंदी में भू परीक्षक यंत्र कहते हैं। हमारे यहाँ के फैकल्टी प्रोफेसर जैन कुमार सिंह और उनकी टीम ने जो डेवलप की थी इस टेक्नोलॉजी को, आज हमने एक स्टार्टअप एग्रोनेक्स्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को ट्रांसफर किया है। यह भू परीक्षक, जिसे आप इस यंत्र को यहाँ पर देख पा रहे हैं, यह जो जमीन के कई सारे पैरामीटर्स हैं उनकी टेस्टिंग करता है, और उनकी टेस्टिंग के रिजल्ट से हमें यह पता पड़ेगा कि एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए और उससे ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए किसानों को क्या करने की आवश्यकता है। इस संबंध में उनकी सहायता मिलेगी, और आशा है कि इस टेस्टिंग से जो हमारे किसान हैं और हमारी जो एग्रीकल्चर है उसकी उत्पादकता बढ़े। संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत विकास लक्ष्यों के तहत भारत सरकार ने देश की पंचायतों को वाइब्रेंट पंचायत बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्मार्ट विलेज की अवधारणा को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है, जिसमें 18 विभागों के 29 विषय चुने गए हैं। इस विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की केंद्रीय ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रामीण भारत को आर्थिक तरक्की की ओर ले जाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। उसी संदर्भ में राजधानी दिल्ली में उन्होंने वेबिनार का आयोजन किया गया। इस वेबिनार में कई तरह के मुद्दे सामने आए, जिनको लेकर पंचायतों को सशक्तिकरण करके ग्रामीण भारत की स्थिति में सुधार करने के कई आयाम स्थापित हुए। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद मौजूद है केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह। आपका भी एक जो दृष्टिकोण हमेशा रहता है पंचायतों के जरिए ग्रामीण भारत को सशक्त करना, किस तरह देखते हैं जो मुख्य मुख्य आयाम आपके सामने आए हैं? अब हम पंचायतों को एक वाइब्रेंट पंचायत के कई आयाम हैं। यूनाइटेड नेशन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दिया है, जिसमें हमने 9 पैरामीटर को लिया है। जो ग्रामीण आबादी है उसको किसी न किसी तरह से संस्थागत विकास के जरिए जोड़ना आपका लक्ष्य रहा है, तो भविष्य में किस तरह पंचायतें सशक्त होगी? माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन करके एक स्कीम लाया जो 300 क्लस्टर में, अब वो 25,000 से 50,000 की आबादी पर वो पंचायत 5 भी हैं, 7 भी हैं, 3 भी हैं, तो वो पंचायत रहेगा आत्मा गांव की, सुविधा शहर की।
प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया स्मार्ट विलेज, स्मार्ट एग्रीकल्चर, इन स्मार्ट तकनीक्स में किस तरह हम देखते हैं नए भारत की संकल्पना 2047 का, जो प्रधानमंत्री जी का आज़ादी का 100 साल हम मनाएंगे उस वक्त का? प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत और जो हमारा खास करके अमृत महोत्सव है, इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि जिसे हम वाइब्रेंट पंचायत कहते हैं, वो अमृत महोत्सव के समय जो हमने कल्पना की है गांव की पंचायत की, वो हम दिखा सके। 18 विभाग और 29 विषय आप लेके चल रहे हैं। ये 18 विभाग 29 सब्जेक्ट जो गांव के अंदर काम करता है, अब उसकी मॉनिटरिंग पंचायत भवन में हो। अब ये आज हमने यही कहा है, प्रत्येक राज्य 25% पंचायतों में कन्वर्जन के द्वारा सभी मंत्रालयों के साथ मिल करके इस काम को करे। तो केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह, जिनका मानना है कि शहरों की तर्ज पर गांव में समानांतर सुविधाएं पहुंचाने के लिए न केवल लगातार काम कर रहे हैं बल्कि पंचायतों के जरिए ग्रामीण आबादी को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए नई नई नीतियाँ और योजनाएँ लागू करने का महत्वपूर्ण प्रयास भी कर रहे हैं। मेरे सहयोगी कैमरामैन जगपाल के साथ मैं ओपी यादव, दिल्ली। देश का किसान आत्मनिर्भर बने, इसको लेकर कई प्रयास भी किए जा रहे हैं। कई कृषि अर्थशास्त्री भी अलग अलग माध्यमों से किसानों को जागरूक कर रहे हैं। इसी विषय पर कृषि अर्थशास्त्री और लेखक डॉक्टर पराशराम जकप्पा पाटिल से बातचीत की है हमारी संवाददाता संतोष चौधरी ने। सोमवार से शुरू इस श्रृंखला की देखते हैं तीसरी और अंतिम कड़ी। साथ जाने माने कृषि अर्थशास्त्री हैं डॉक्टर पराशराम जकप्पा पाटिल जी। जलवायु परिवर्तन कितनी बड़ी समस्या आप मानते हैं? पूरा विश्व इससे परेशान है, चिंतित है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है। एग्रीकल्चर पर जलवायु परिवर्तन कितनी बड़ी प्रॉब्लम है आने वाले दिनों में? मौसम का चक्र भी बदल रहा है, फसल चक्र भी बदल रहा है। जी, अगर आप भारत का एग्रीकल्चर ढांचा देखो, जितना डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पे है, क्रॉपिंग पैटर्न, अलग अलग मौसम, हर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर अलग मौसम बनता है, अलग एग्रीकल्चर पैटर्न बनता है। तो अगर लास्ट 5 से 10 साल देखोगे तो क्लाइमेट जो है ना, बहुत ज़्यादा इंडियन एग्रीकल्चर पर इम्पैक्ट कर रहा है। जैसे कि बिन बारिश अभी रिसेंटली महाराष्ट्र में बारिश हो गई और 2 महीने पहले भी बारिश हो गई थी। जब हार्वेस्टिंग का टाइम था, राइस हार्वेस्टिंग का, उस टाइम बारिश हुआ, फसल खराब हो गई। तो इसका मल्टीपल इम्पैक्ट है। फसल सिर्फ खराब नहीं होती, फसल के ऊपर जो हमारे लाइव स्टॉक डिफेंस है, जिसको फोडर लगता है, वो भी खराब हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट अभी कर रहा है। तो इसलिए भारत सरकार क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को बढ़ावा दे रहे, नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दे रहे, वाटरशेड के प्रोग्राम आ रहे, सो क्रॉप इंश्योरेंस के प्रोग्राम है, तो इसका इम्पैक्ट मिनिमाइज हो जाए। लेकिन हमें इसमें एक स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल देता हूँ, भारत का टॉप 10 एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट देखोगे तो उसमें राइस आता है और इंडिया राइस में वन ऑफ द बिग प्लेयर है। लेकिन 1 kg राइस डेवलप करने के लिए 4 to 5,000 liter वाटर लगता है। तो क्या ये फिजिबल है? क्या इसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए? अगर रोक सके तो कितने लाखों फार्मर इसके ऊपर डिपेंड है। तो जब भी हम एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो हमें बैलेंस लेके चलना पड़ेगा। एग्री एक्सपोर्ट का फ्यूचर आप कैसे देखते हैं और एग्री एक्सपोर्ट में किसानों को सीधे फायदा पहुंचे, ये कैसे हो पाएगा? ये बहुत अच्छा सवाल है सर, क्योंकि जब तक इंडियन एग्रीकल्चर इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी तब तक इंडियन इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी। और जब तक इंडियन एग्रीकल्चर इकोनॉमी ग्रो तभी करेगी जब हमारा एक्सपोर्ट अच्छा हो। एक्सपोर्ट इसका मतलब क्या है कि हम ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो जाए। तो अगर हमारा अभी एक्सपोर्ट देखो $30 billion के आसपास है, जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि वो $100 billion हो जाए 2022 तक, अभी धीरे धीरे हो जाएगा वो। तो इसके मद्देनज़र बहुत सारे हमने इनिशिएटिव लिए, स्पेशली जो हमारे एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और हमारे जो ऑनरेबल मिनिस्टर कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी, इनके अंडर बहुत सारे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने की बहुत सारी कोशिश हुई। इसलिए अगर आप रिसेंटली देखोगे कि इवन दिस लॉकडाउन में ऑल्सो कि हमारा जो एक्सपोर्ट है कि अभी हमें दुनिया के 10 top 10 एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर में आ गए ये। लेकिन अभी हमारे कोशिश ऐसी रहनी चाहिए कि हमारे जो ट्रेडिशनल बास्केट है वो एक्सपांड हो जाए। हमारे ट्रेडिशनल जो टॉप 10 प्रोडक्ट जैसे कि राइस है, बफेलो मीट है, हॉर्टिकल्चर, वो छोड़ के नए, जैसे कि अभी हनी,
जैसे कि नॉन ट्रेडिशनल प्रोडक्ट जैसे कि फ्लोरिकल्चर है, फुलेज है, इस तरह का अगर हम बढ़ावा देंगे तो हमारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बढ़ेगा और उसका सीधा सीधा असर जो है ना किसान की आय दुगनी होने की हो सकता है और होगा। इसलिए भारत सरकार ने जो नई स्कीम लाई है कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट क्लस्टर और FPO, इसके माध्यम से ये जो सारा एक्सपोर्ट का बेनिफिट है इसमें किसान खुद कैसे इंडिविजुअल जोड़ सकते इसका काम हो रहा है। वो किसान जिनके पास जमीन कम है वो क्या करें, कौन सी खेती करें ताकि वो कम खेती में अच्छी आमदनी कर सके, अच्छा उत्पादन कर सके? बिल्कुल, जिनके पास खेती कम है, क्योंकि हमारे यहाँ 80-85% जो सारे मार्जिनल फार्मर है जिसका लैंड 2 हेक्टेयर से कम है, तो उनको इस तरह से खेती करनी चाहिए जो मार्केट इमीडिएटली प्रोन है, जैसे कि फ्लोरिकल्चर है, जैसे कि फुलेज है, क्योंकि भारत का फुलेज में 0% एक्सपोर्ट है, अभी जो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है उसमें, तो जो इमीडिएटली जो मार्केट में डिमांड है जैसे कि फूड सैनिटाइजर, जो डे टू डे चीज़ें लगती है मार्केट में और जिसमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं लगती और बहुत ज़्यादा स्केल नहीं लगती, जो कम स्केल है लेकिन जिसका डे टू डे रिक्वायरमेंट है, इस तरह की अगर किसान जो जिनके पास खेती वो अगर आ सकते हैं तो उनका आय बढ़ने की कोशिश हो सकती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये किसान जिनका छोटा छोटा खेती है अगर क्या वो साथ में आके कोऑपरेटिव फार्मिंग के बेसिस के ऊपर क्या खेती कर सकते हैं, जिस तरह की उनका रिसोर्सेज भी बढ़ जाए और उसका क्वांटिटी भी बढ़ जाए और क्वालिटी भी बढ़ जाए, अगर ये मुद्दा हम इसमें थोड़ा सा लाते हैं तो मुझे लगता है कि छोटे छोटे किसान भी है ना वो भी बहुत अच्छे तरह से सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ जाने माने कृषि अर्थशास्त्री डॉक्टर पराशराम जकप्पा पाटिल जी, जिनका मानना है कि अभी भी खेती में बेहद बदलाव की जरूरत है और ये बदलाव किसानों तक पहुंचे ताकि उनकी आमदनी बेहतर हो सके। संतोष चौधरी, डीडी न्यूज, दिल्ली। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का रोजगार सृजन पर खास ध्यान है। उन्होंने कहा 2014 से अब तक हम 3,44,646 नौकरियां दे चुके हैं। रेल मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार बहुत ही संवेदनशील सरकार है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का रोजगार के ऊपर एक बहुत बड़ा हमेशा से एम्फेसिस रहा है और विशेषकर रेलवे में 2009 से 14 में रेलवे में मात्र 2,42,709 नियुक्तियां की गई थी। 2014 से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑलरेडी 3,44,646 नियुक्तियां की हैं, 3,44,646, साथ ही साथ 1,40,713 वैकेंसीज पे ऑलरेडी रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है। जम्मू कश्मीर के भेड़ पालन विभाग ने दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के शिक्षित बेरोजगार आदिवासी युवाओं में मुफ्त भेड़ इकाइयों का वितरण किया गया। जम्मू कश्मीर के आदिवासी युवाओं की खातिर आदिवासी उपयोजनाओं के लिए विशेष केंद्रीय सहायता के तहत इन मुफ्त भेड़ इकाइयों को वितरित किया गया। ये मुफ्त भेड़ इकाइयां 18 आदिवासी युवाओं को दी गई जिन्हें अपनी आय पैदा करने वाली इकाइयों की स्थापना के लिए एक प्रक्रिया के माध्यम से चुना गया था। अनंतनाग के भेड़ पालन विभाग के उप निदेशक ने कहा कि ये इकाइयां अनंतनाग के काजीकुंड के नरगिस गांव के आदिवासी युवाओं को मुफ्त दी गई। वो मॉडल विलेज नागरस के लिए हमने यूनिट डिस्ट्रीब्यूट किए, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट थे, उसमें अंडर TSP पंचायत आए थे डिस्ट्रिक्ट में, अकॉर्डिंगली हमने 18 यूनिट्स एस्टैब्लिश किए जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें एप्लीकेशन हमने इन्वाइट की थी, अकॉर्डिंगली 150 एप्लीकेशन आई थी, उसमें फिर ड्रॉ फ्लॉट्स हो गए जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के भी मेंबर रहते हैं और 16 लोगों को हमने सिलेक्ट किया और अकॉर्डिंगली उनमें यूनिट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए कल। इससे बेरोजगारी खत्म हो जाती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाती है। हमने डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में 150 यूनिट्स एक ही साल में किए हैं अंडर वेरियस स्कीम्स। जो अभी IHDS हमारी नई स्कीम रिसेंटली लॉन्च हो गई है उसमें भी हमने कम से कम 120 के करीब यूनिट्स किए हैं और TSP खाली अंडर TSP हमने इस बार 70-75 यूनिट्स डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में एस्टैब्लिश किए हैं। मुफ्त भेड़ इकाइयों के वितरण के बाद अनंतनाग के युवाओं ने खुशी का इजहार किया। मैं शीप डिपार्टमेंट से यूनिट मिला है जिसमें 10 फीमेल और एक मेल मिला है सर। हाँ सर, मैं इसका शीप डिपार्टमेंट का बहुत शुक्रगुजार हूँ और DC साहब का जिसने हमें ये दिए। और सर, मैं पढ़ा लिखा नौजवान हूँ सर, इसी बेड़ों से हम अपना रोजगार चला सकते हैं सर। हमें बहुत खुशी की बात, हमें फ्री ऑफ कास्ट मिला है। 18 यूनिट निकले हैं शीप हस्बेंड्री
की तरफ से नागरस ट्राइबल को ट्राइबल के लिए। ये यूनिट उन लोगों को आए जो पढ़े लिखे जो नौजवान हैं, 12वीं पास 10वीं पास करके बैठे हुए थे, बेरोजगार बैठे हुए थे, उनको ये यूनिट आए ताकि वो अपनी जिंदगी आगे बसर कर सके आराम के साथ। नहीं, पढ़े लिखे लड़के इसमें TDC और मैट्रिक पास है तो उनको भी मिला सर एक एक यूनिट, तो हम उसके बहुत शुक्रगुजार हैं सर। हमने ये फॉर्म भरी थी शिप यूनिट के लिए, तो मैं डी सी साहब का शुक्रगुजार हूँ जिसमें मेरा नाम निकल आया है और मुझे 11 ये लाइव स्टॉक मिली है। अब मैं इसकी ब्रीडिंग आगे बढ़ाना चाहता हूँ तो रोजगार का मसला। ये हम शुक्रगुजार हैं डी सी साहब के और डिपार्टमेंट के जिन्होंने हमें ये फ्री ऑफ कॉस्ट यूनिट दी। और अब बात मौसमी खेती की, और जानते हैं कि इस मौसम में कैसे रखा जाए अपने खेतों का ध्यान। मध्य प्रदेश में गेहूं की कटाई करें, गेहूं के खेत में सिंचाई करते रहें, साथ ही मूंग की बुआई कर लें, यहां उड़द की बुआई कर सकते हैं। अभी टमाटर की बुआई करने का समय उपयुक्त है, किसान बैंगन की रुपाई करते रहें। इसके अलावा फूल गोभी की बुआई के लिए खेत तैयार कर लें। वहीं पत्ता गोभी की बुआई के लिए खेत तैयार करें। मध्य प्रदेश में चने के खेत से खरपतवार निकालें, यही किसान गन्ने की बुआई कर सकते हैं। इसके साथ ही कद्दू की खेती के लिए खेत तैयार करते रहें। इसी तरह लौकी की खेती के लिए खेत तैयार कर लें। मध्य प्रदेश में भिंडी की बुआई के लिए खेत तैयार करें। छत्तीसगढ़ में धान के खेत में सिंचाई करें, वहीं गेहूं के खेत में सिंचाई कर लें। इस समय मक्के के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान सरसों के खेत की देखभाल करते रहे, सरसों की कटाई करें। छत्तीसगढ़ में चने के खेत की देखभाल कर लें, यहां अरहर के खेत में सिंचाई करें। किसान अरहर के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखे। अभी काबुली चने की कटाई कर सकते हैं, काबुली चने के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखे। वहीं किसान गन्ने के खेत में जरूरी उर्वरक डाले, इसके साथ ही टमाटर के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखे। छत्तीसगढ़ में लाल मिर्च के खेत में भी पर्याप्त नमी बनाए रखे। ये समय बैंगन की बुआई के लिए अनुकूल है। बैंगन की बुआई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर ले, खेतों की जुताई कर जमीन को समतल कर ले। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किसान बैंगन की कई किस्मों की बुआई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा श्यामला। बैंगन की ये किस्म लंबे आकार की होती है। इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कर सकते हैं। इस किस्म की एक हेक्टेयर में 390 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। इसकी शाखाएं सीधी होती है और पौधा कांटा रहित होता है। पूसा पर्पल क्लस्टर की बुआई भी की जा सकती है। ये किस्म उत्तरी भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों के लिए अच्छी होती है। एक हेक्टेयर में 200 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग गहरा बैंगनी होता है। इसके अलावा पूसा अंकुर की बुआई की जा सकती है। इस किस्म का आकार गोल होता है। पूसा अंकुर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगाने के लिए काफी अच्छी है। एक हेक्टेयर में 350 क्विंटल फसल ली जा सकती है। पूसा उत्तम भी लगा सकते हैं। इसका आकार भी गोल होता है। बैंगन की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में की जा सकती है। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से मौसम साफ रहने पर ही करें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर, यानी सेगमेंट खास खबर। ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट संबंधी PLI स्कीम बेहद सफल साबित हुई है और स्कीम के तहत अनुमान से कहीं अधिक 75,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने बताया कि अनुमानित लक्ष्य 42,000 करोड़ रुपए के निवेश का था, लेकिन सरकार की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी पहलों से उम्मीद से काफी अधिक निवेश प्रस्ताव मिले हैं। उन्होंने कहा कि इस स्कीम से देश में 10 लाख से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन होगा और ये भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के प्रधानमंत्री के विजन को पूरा करने में मददगार साबित होगी।
जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। श्रीनगर जिले के नौगाम इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में दो और आतंकवादी मारे गए हैं। मुठभेड़ में अब तक कुल 3 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद सहित आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। कश्मीर IGP विजय कुमार ने बताया कि 3 आतंकी लश्कर ए तैयबा के हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद पंजाब के कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट कर इस्तीफे की जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष की इच्छा के मुताबिक मैं पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देता हूँ। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के अवसर पर आज से देशभर में 12 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए कोविड टीकाकरण कार्यक्रम शुरू हो चुका है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने गुवाहाटी के रुक्मणी गांव के स्कूल में 12 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कोविड टीकाकरण अभियान शुरू किया। कोरोना संक्रमण में कमी लाने के विचार से दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज ने मेक इन इंडिया की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए UVC डिसइंफेक्शन मशीन का निर्माण किया है। बहुचर्चित ये डिसइंफेक्शन मशीन मात्र 60 सेकंड्स में किसी भी वस्तु को कीटाणु रहित बनाने में समर्थ है। देश भर में पिछले 24 घंटों में 2000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 3,884 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.72% हो गया है। सक्रिय मामलों की संख्या कुल संख्या 32,811 हो गई है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 0.44% दर्ज की गई। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 0.38% हुई। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार। संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात। बदलते भारत की शान।